स्टूडेंट्स, लेट्स द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन सी थ्री प्लांट इज. पूछा गया इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि सी थ्री प्लांट में नहीं पाया जाता. सबसे पहले आर यू बी पी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये कौन सा है? ये तो रूबिस्को है. ये कौन सा एंजाइम है? रूबिस्को है. और सी थ्री प्लांट में हमें पता है कि जो स्ट्रोमा में ये रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कार्बोक्सिलेशन, कार्बन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है. इसके अलावा जब फोटो रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे क्या ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रहा है. अगर हम देखें तो सी थ्री प्लांट में जो सी थ्री साइकिल जो कि स्ट्रोमा में होगा, वहाँ पे रूबिस्को एंजाइम क्या कर रहे हैं? रूबिस्को एंजाइम कैटलाइज कर रहा है. यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन मतलब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आर यू बी पी है, जो कि फाइव कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे एक कार्बन जो है सी ओ टू से यहाँ पे आके ये जो फिक्स हो रहा है, इससे क्या बनेगा? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री फॉस्फोग्लिसरेट. तो अगर हम देखें ये तो प्रेजेंट है. नेक्स्ट पी पी कार्बोक्सिलेज, ये जो है ये प्रेजेंट नहीं होता. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो सी फोर प्लांट है उसमें प्रेजेंट होता है. ये जो सी फोर प्लांट है, सी फोर प्लांट के मीजोफिल सेल जो है उसमें ये एंजाइम प्रेजेंट है. और ये क्या करता है? ये कार्बोक्सिलेशन कर रहा है. यहाँ पे जो फॉस्फोइनोल पाइरवेट वहाँ पे जो है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ सी ओ टू की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि थ्री कार्बन कंपाउंड है. और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन फिक्स होगा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? यही वाला एपकेज एंजाइम बोलते हैं इसको, एपकेज. और ये जो फॉस्फोइनोल पाइरवेट कार्बोक्सिलेज है यही है. और इससे जब फिक्सेशन होगा, यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन होगा, तो इससे क्या बनेगा? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, दैट इज फोर कार्बन कंपाउंड. तो ये वाला जो है ये कहाँ पे होता है? सी फोर प्लांट में होता है, ये सी थ्री में नहीं होता. एन ए डी पी रिडक्टेज की अगर हम बात करें तो ये जो है एन ए डी पी रिडक्टेज, तो हमें पता है सी थ्री प्लांट में ये जो लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, हमें पता है कि ये क्या करेगा? ये जो एन ए डी पी प्लस जो है उसका क्या कर रहा है? तो रिड्यूस कर रहा है. और इससे क्या बनेगा? एन ए डी पी एच. अगर हम देखिए ये तो प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ए टी पी सिंथेस भी प्रेजेंट है. जब प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होगा तो प्रोटॉन उसके थ्रू जब पास होगा एटीपी का सिंथेसिस होता है. तो ये किसमें इन्वॉल्व है? ये जो है इन्वॉल्व है एडीपी प्लस पीआई, तो क्या बनेगा? एटीपी बनेगा यहाँ पे. तो अगर हम देखें ये पहला और ये तीसरा और चौथा है, ये प्रेजेंट है किसमें? सी थ्री प्लांट में. लेकिन ये सेकेंड वाला जो है ये प्रेजेंट नहीं है सी थ्री में, ये सी फोर में होता है बस. तो अगर हम देखें करेक्ट आंसर विद दिस सेकेंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.